नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। कासगंज भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर जनपद भर के कार्यालयों में कर्मचारियों को संविधान के अनुच्छेद के अधीन काम करने की शपथ दिलाई। इसी के चलते कासगंज कलेक्टर परिषद में डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को संविधान के अनुच्छेद के अधीन काम करने की शपथ दिलाई। इस दौरान डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने हमारे देश को संविधान दिया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। उन्होंने बताया कि भारतीय संविधान को अंगीकार किए जाने की 17वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार द्वारा आज 26 नवंबर संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। इसी के चलते आज जनपद भर के कार्यालयों में कर्मचारियों व अधिकारियों को संविधान के अनुच्छेद के अधीन काम करने की शपथ दिलाई है। उन्होंने कहा कि देश संविधान में वर्णित नियमों के अनुसार ही काम करता है। संविधान में सभी वर्गों के लोगों के लिए उनके अधिकार व कर्तव्यों की विस्तृत जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि संविधान के प्रावधानों में हर नागरिक के क्या कर्तव्य हैं और उनका क्या अधिकार है तथा इसके पालन की जानकारी दी गई। डीएम ने कहा कि संविधान से बढ़कर कोई नहीं है और सभी लोग संविधान से बंधे हुए हैं। पेशी कासगंज से विजय पुंधिर की एक खास रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, जिसके पूरी जो हमारी शासन सत्ता चलती है वो भारत के संविधान के प्रति चलती है। धीरे धीरे हम लोग संविधान के दायरे में रह करके काम करें, इसलिए संविधान का जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, उसको आप पठन पाठन किया गया है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम लोग तंत्रात्मक गणराज्य हैं, हमारा क्या क्या हमको करना है, हमारे मूल कर्तव्य क्या हैं, हमारी स्ट्रक्चर क्या है शासन का, ये सारी चीज़ें नागरिक में भली भांति उनको पता होना चाहिए। इसी के लिए समय पर हम लोग जयंती भी मनाते हैं, चूँकि 26 नवंबर को हमारा संविधान लागू हुआ, इसलिए आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। और ये इसका उद्देश्य ये भी है कि हम जितने भी नागरिक हैं वो जो भी एक्टिविटी करें वो संविधान के दायरे में रह करके करें, कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे हमारा देश कमज़ोर हो या हमारा जो भाईचारा है वो टूटे या देश विरोधी गतिविधि कोई ऐसी ना हो। इसीलिए सबको याद कराया जाता है कि संविधान हमारा एक है, जो हमारा माई बाप है, जो हमारा गीता बाइबिल कुरान है, और हमें जो भी चाहे शासन सत्ता चलानी हो या अपने आपस में व्यवहार करना है वो संविधान के दायरे में रहकर ही करें।